प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विपक्ष के अडानी ग्रुप के मामले को लेकर लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भाषण की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ समर्थक उछल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके भाषण से पूरा इकोसिस्टम हिल रहा है। कुछ लोग खुश होकर कह रहे थे कि यह हुई नहीं बात, इनको नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे करके सत्ता में वापसी की बात खुद को बहलाने जैसी है। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को मिलने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि 2021-2022 की खरीफ सीजन में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों को किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के 23 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय और प्रोटेम सभापति सत्य शर्मा एलजी को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आम आदमी पार्टी और उसकी मेयर पद प्रत्याशी शैली ओब्रॉय की याचिका पर जारी किया गया है। 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई होगी। अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद की किरण नायक ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उनकी मौत की जांच कराने की मांग की। वहीं शिवसेना ने संजय राउत से कहा कि मौत आकस्मिक नहीं है बल्कि एक स्पष्ट बेईमानी और भूमि दलाल का किया गया हमला है। मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा और रिफाइनरी पर चर्चा की मांग करूंगा। देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव प्रचार हो रहे हैं। सभी दल अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विपक्षी पार्टी एनपीपी पर प्रचार के दौरान मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट के बाद टीएमसी ने सबूत के तौर पर घायलों की तस्वीरें जारी की हैं। उन तस्वीरों में घायलों के खून से लथपथ दृश्य सामने आए हैं, जिसमें मेघालय टीएमसी कार्यकर्ताओं का खून बहते हुए देखा जा सकता है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड ने देशवासियों से अपील की है कि 14 फरवरी को काउ हग डे मनाएं। 14 फरवरी को ही दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। बोर्ड की अपील के मुताबिक काउ हग डे का मतलब है कि गाय को गले लगाएं। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। महुआ मोइत्रा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने 7 फरवरी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की भी मांग की। अडानी के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा जारी है। इस मुद्दे ने तब आग पकड़ी जब 7 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे की आड़ में पीएम मोदी को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। बीजेपी की मांग है कि राहुल के बयानों को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई में 10 फरवरी से 2 नई वंदे भारत चलेगी। ट्रेनों की टिकट की कीमत मुंबई पुणे रूट पर चलने वाली अन्य सभी ट्रेनों में सबसे महंगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रामचरितमानस को लेकर शिकायती पत्र लिखा है। मौर्य ने पीएम को लिखे पत्र में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की बात लिखी है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि मानस की कुछ चौपाइयों स्त्री विरोधी हैं, इसलिए इन चौपाइयों को हटा दिया जाए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। पंजाब सरकार ने इल्जाम लगाया है कि केंद्र सरकार पंजाब को सीधा कोयला नहीं भेजकर मुंद्रा पोर्ट के जरिए भेजेगी। इससे पंजाब को 3 गुना ज्यादा भाड़ा चुकाना होगा। पंजाब सरकार ने कहा है कि मुंद्रा एयरपोर्ट के जरिए कोयला भेजने का फैसला केवल अडानी को फायदा देने के लिए है। वित्त वर्ष 2022-2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसलों का ऐलान आज हो गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया गया है। रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक अपने रेपो रेट लिंक्ड लोन और फ्लोटिंग रेट लोन के ब्याज दरों में इजाफा करेंगे, जिससे आपके फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन की ईएमआई या उसकी अवधि में बढ़ोतरी होगी। रूस ने भारत को 28,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, लेकिन पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस कारण भारत अभी तक रूस को यह भुगतान नहीं कर पाया है। यूक्रेन के साथ जंग के कारण पश्चिमी देशों और अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को 8 फरवरी को बोल्ड क्लब के पास से हिरासत में ले लिया गया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में जारी अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ संसद भवन के पास प्रदर्शन कर रही थी। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में चल रहे बुलडोजर की तुलना अफगानिस्तान से की थी।
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा और गुजरात दंगों पर आधारित केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग की मांग की है। इसके साथ ही मांग को लेकर एनएसयूआई की तरफ से मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र भी लिखा गया है।